अच्छा भाई, तो आज हमने सैंडविच बनाए हैं। आज 28वां रोजा। ये जो खजूर मैंने रेडी की थी, बच्चे खा रहे हैं माशाल्लाह शौक से। दो शरबत बनाए थे मैंने, जामे शीरी और शक्कर कोले वाले, इसमें नींबू भी है और तुखम मलंगा भी आपको नजर आ रहा होगा नीचे। फ्रूट चाट कल वाली थी, हमने कल खाई नहीं थी, आज खा रहे हैं। चावल अच्छे हुए थे कल के, वो खाने लगे। आज ये बर्गर जो कर रहा था वो खाने लगे। साथ में क्या है? साथ में जी चना चाट है और ये समोसे कचोरियाँ रोल फ्राई कर रही है। आओ खाएं। आज का दिल कर रहा है सैंडविच खाने का, तो मैंने क्विक से क्या किया, शामी कबाब लिए, उनको गर्म किया मैंने क्योंकि फ्रीज हुए हुए थे। उसमें चॉप करके टमाटर, गाजर, बंद गोभी और हरी मिर्चा डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, ठीक है। ब्रेड देख ले, मैंने ऑलरेडी काट के लगी रखी हुई है। इसके अंदर मैंने लगानी है ये चिकन स्प्रेड और साथ में मेयोनीज, अगर आप लगाना चाहो दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। और इसमें एक ऑरेंज वाली आती है ना, वो भी बड़े मज़े की लगती है सैंडविच में ना, तो बस ये फिल करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ बड़े मज़े के बनते हैं। यार ये बहुत ही टेस्टी और इजी वे में ना, बच्चों को लंच के लिए देने हो, कभी भूख लग जाए रात को, जहाँ दिल करे खाने का बना के खा ले बंदा फटाफट से। ब्रेड के ऊपर ना मैंने चिकन स्प्रेड को इस तरीके से फैलाया, उसके ऊपर मैंने ये जो अमेजा बनाया था वो लगाया। इसको, इस वाली जो ब्रेड है इसके ऊपर भी मैंने चिकन स्प्रेड फैला दी है, इसके ऊपर ये लगा दिया। अगेन इस पर चिकन स्प्रेड लगाऊंगी और फिर ये अमेजा लगाऊंगी। ठीक जी, हमारा सैंडविच रेडी हो गया। मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ। ये मैंने तीन पोर्शन वाला बनाया था स्वीप के लिए, और ये जो चार वाला है ये बनाया वकास साहब के लिए। ये देखिए, और केचप डाल दिए मैंने, अब साथ में डालती हूँ शक्कर कोला। छत पे लेके जाते हैं विकास के पास। अपने वाला खाना था चार पीस वाला, ये तस्वीर का था तीन वाला। हाँ आप ये वाला खाओ, गर्म है सही। छोटा सैंडविच बनाया। हाँ जी, वाह मुबशर पुत्र, मजा आ गया। तस्वीर सैंडविच खा लो। तभी हो रहे हैं 3:30, आटा भी था गुंदा हुआ, मैंने जल्दी फ्रेश आटा गुंदा है और बिसहरी बनाई है। वकास भी आ गए हैं और आज 30वां रोज़ा। मुझे पता था रोज़ा होगा जुम्मे का, क्योंकि ना जब 29 का चांद हो ना पहला, तो बहुत कम ऐसा चांसेस होते हैं कि 30 ना हो रोज़े, 30 रोज़े होते हैं। और शुक्र है हमें जुम्मा मिल गया है। एक और हम बीच में सोए, हो सकता है बीच में ईद होगी। और नहीं हुई है ईद, ये एक बार चेक कर लिया, चेक कर लिया है, कोई ईद नहीं है। कल है वो 30वां रोज़ा। वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, आज हम बाहर इफ्तारी करेंगे। और दूसरी चीज़ें, मेरा कुछ चीज़ें लेनी है, तो दुपट्टा मेरा रह गया वो लेना है, और ज्वेलरी रहती है कुछ वो लेनी है, तस्वीर की पौनियाँ पिने रह गई हैं वो लेनी है, वकास ने कुर्ता लेना है अपना, तो वो भी हम लेके फिर घर आते हैं इंशाल्लाह। मैंने आज ये वाला ड्रेस पहना है, इसकी जो फ्रिल लगी है देखें इसे, और इसके बाजू बहुत प्यारी हैं। इसे गाड़ी में दिखाते हैं ये फ्रिल वाली बाजू, मैं कहाँ सिखाऊंगा, सिखाना मेरा ड्रेस। अभी तो अभी हम लोग आए हुए थे कमर्शियल मार्केट, तो मैंने कहा चले जी काफी टाइम हो गया गोलगप्पे नहीं खाए, रमजान से भी काफी पहले से हमने गोलगप्पे नहीं खाए। और क्या खा रही हो? गोलगप्पे। पोटैटो स्टिक कहाँ से चाहिए आपको? चलो नई चीज को याद आ गई तस्वीर, चलो जी गोलगप्पे खाते हैं। रख के बस चेक कर ले ऊपर ही, पेंट स्टाइल में सिली हुई है, दिखाना। वाओ स्टिचिंग कितनी अच्छी है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, तो सही आ रहा है ना, खींच खींच के ऊपर ही करता हूं। अल्ट्रा करवा ले साइज से, करना क्या इसको, अल्ट्रा हो सकता है, देखना अच्छा लग रहा है। वाओ नाइस, बनियान ले ले इसमें जो सफेद, बस परफेक्ट। हमारी शॉपिंग में नहीं लगता जितना वकास शॉपिंग में टाइम लग रहा है। झूठ कितना बोलते हो, इसी गर्मिश में गायब हो गई है। कितने कुर्ते लिए? चार। लेने क्या है? तीन बनियान, तीन लिए है, एक बनियान और लेनी है। क्या हर ड्रेस के साथ एक बनियान, हर ड्रेस के साथ एक बनियान लेनी है? अभी हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए, सैफ्रोन की गिरफ्तारी नहीं की थी ना, फ्राइज यमी होते हैं। अच्छा, तो वकास और अर्शद सैलड ऑर्डर किया, मैंने प्लेटर ऑर्डर किया, वकास ने गोलगप्पे रच के खा लिए हैं ना। फ्राइज खा रहे हो आप? आप क्या खा रहे हो? बोतल अभी आ जाएगी प्लेटर के साथ, खाना भी खाना, रशियन सैलेड से पेट भी भरो। तुमने कहा मेरे लिए प्लेटर ही काफ़ी है। नहीं नहीं, हम दोनों खा लेंगे। अभी मेरा प्लेटर आ गया है, एक बंदे के हिसाब से बहुत ही है ना, दो बंदों के हिसाब से भी बहुत है, बहुत ज़्यादा चावल है। आ करो, आ करो मामा के हाथ से खाओ। मजे का तुझे खिलाऊं चखने, ये लो चक्कर देख लो, भी चाउमीन आ जाती है अभी। ये मामा की आई है प्लेटर के साथ वाली, कैसी लगी आपको खा के बताओ? आज
तो मैं डालू ब्रेड में दो। मुझे पूछ रहा है कौन सी वाली फिश है, मैंने कहा सिर्फ कलर्स पता है मुझे, ये ऑरेंज वाली है, वो वाइट वाली है। हाँ जी, कौन सी अच्छी लग रही है? इसका नाम रखो, क्या रखना है? ऑरेंज BTS। वो देखो उसके पीछे बारे में। ओह ओह फिर जी घर जाके बच्चियों को मेहंदी लगाई है, अरमिश को और तसीब को, और कपड़े रेडी करके रखे हैं बलाज और भाज के सुबह के लिए, कुर्ता शलवार और खेड़ी वगैरह। आगे से हटा तसीब लगा अलैकुम। ये हालात चेक करो, मैं धो के मेहंदी लगा के हाथ धो के सोई थी, और मुझे आदत है मैं ना इस हाल के सोती हूँ। अब जब इस हाल के सोई हूँ ना तो लगी यार, मतलब इस उंगली पर तो मेहंदी ही नहीं थी, कैसे छपा है मेरे ऊपर पता नहीं, ऐसे सोई हूँ कैसे सोई कि मेरे मुंह पे पूरा डिज़ाइन छप गया, दिल 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 पता नहीं कैसे हटे गए। चलो पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं पूरी दोबारा बोलूँगी तैयार होकर, ठीक है? देखें जी नाश्ता हो रहा है, हमारे बच्चे नहा रहे हैं, अभी बाहर कोई गाड़ी नहीं है, लगता सारे सो रहे है ना। मुझे ना कॉल करने लगा था, मेरे सीने में कुछ दर्द होती है, मेरे पास का हाल तो कुछ लाया ऊपर से, मैंने कहा ईद मुबारक, ईदी ईदी तैयार हो गया, फिर दोगे तैयार हो गया, फिर दोगे ये मिल सकते तैयार गाऊंगी ईद दोगे है। आज मैंने बहुत टाइम बाद 30-40 दिन बाद अंडा बनाया है, दोनों अंडे, ये तो मैंने बनाया था यार सहेली में एक दिन आपके लिए, आपने कहा था एक मैं दिन बना है, ये नहीं बना। तो अभी हम करने लगे नाश्ता, दसवीं मरमिश नहा के ऊपर गई, उनको मैंने बोला कि नाश्ता कर लो क्योंकि बोला आज आवाज सोए हुए हैं, नमाज़ पढ़ ली थी, वकास साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं, और सफाई हमने कल ही कर ली थी ताकि हमें आँच ना करनी पड़े। और वैसे भी ना ईद के जो डे वन होता है ना उसमें मेरे घर में कुछ भी नहीं बनता, ईद उल फितर में बकरा ईद में बनता है, बाकी ईद के डे वन में मिलाज भाज ना आ रहे हैं, मेरे कपड़े पहन के नमाज पढ़ी मैंने कहा पहले अल्लाह ताला से ईद मिल लो, और बच्चियाँ तैयार हो रही हैं अंदर, मैं दिखाती हूँ आपको नमाज पढ़ के, अब मैं तैयार होंगी। अब मैं कहती हूँ वकास से काला ड्रेस पहना हुआ मैं काला पहन लूँ, मैंने कहा बच्चियों ने नीला पहना हुआ मैं नीला पहन लूँ, समझ नहीं आ रहा। हो गई है तैयार हो गई है हीरोइन, बीबी क्रीम लगा लो ना, बीबी क्रीम लगा ली मेकअप, हाँ हाँ बीबी क्रीम लगाओ, आपके बच्चों वाली बीबी क्रीम है ये, ओके ये फुल रेडी जाएंगे फिर दिखाऊंगी। बोलो ना बच्चों, ऐसे करो ईद मुबारक, ऐसे करो ईद मुबारक, अच्छा लग रहा है हम सबके साथ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए, शेख साहब दरमियान शेख साहब बड़े शेख साहब, क्या आपकी ऐनक किधर है भाई, लगाओ ना, वो देखो कितना प्यारा लग रहा है, क्यूटू मेरा क्यूटू सा, सबने मैचिंग के कुर्ते पहने, वकास मैचिंग, वकास ने कुर्ते लिए नहीं थे, खेड़िया वेले ले ली थी कि ब्लैक कुर्ता लेकर आऊंगा सारे, ये कैसी है ना फ्राइज़ा देखना उसको उसकी नाक नहीं है ना फैनी नाक है उसको, पापा देखो वो कितना प्यारा लग रहा है ना, ये फुल प्रोफेसर लग रहा है वही वाला जिसने बैंक लूटा था, वाकई सब बताना ही वो लग रहा है, देखो प्रोफेसर पैसा कहाँ छुपाया, सच से बताओ मनी हाइस्ट वाला, मनी हाइस्ट वाला प्रोफेसर, हाँ ईद ही देते हैं 5-5 रुपए सब की, 500 तुम्हें 300 कितनी चाहिए, 400 4 दिन लगा लो, बस ज्यादा नहीं होगी ओके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मी के घर, अब लाज अपना फीटर उठाने लगे हो,
सो मैं भी रेडी हो गई हूँ, बच्चे भी रेडी हो गए हैं। हम कैसे थोड़ा सा लेट जाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा होता है ना, अम्मी अब कहते हैं सुबह से आ जाओ हमारी तरफ, बट ऑब्वियसली उनके घर की भी सफाई होती है, काम होते हैं, फिर हम सर पे जाके बैठ जाते हैं। तो मेरे सर का होता है मैं सुबह सुबह नहीं जाऊँगी, आप नहीं जाना, आप बेशक चले जाएँ। हमारे लेशेज हट रही है, परफ्यूम ले रही नीचे, आप गाड़ी में परफ्यूम लाओ ना। मैं परफ्यूम बकास परफ्यूम मांग रहे हैं, मैं बकास को परफ्यूम दूँ, कितनी अच्छी लगी माशाल्लाह। आज ये बनाते हैं, अम्मी घर चलो, अम्मी घर चलो, अम्मी घर चलो। तस्वीर और बकास तैयार हो के नहीं दे रहे आज कि तैयार हो जाएं किस तरीके। सो ईद मुबारक, अपने घर में हमारी पहली ईद है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। ओके भाई, तो ये मेरा फाइनल लुक है गाड़ी में, मैंने कहा डे लाइट में भी दिखा दूँ। गाड़ी पार्क कर रहे हैं हम, आ गए हैं अम्मी लोगों घर, चलो चलते हैं। हेलो, मैं आपकी कौन हूँ? मैं आपकी ताई अम्मा हूँ, ताई अम्मा। मीना मुझे बोलो, मीना मुझे बोलो ताई अम्मा। अब भाज किधर आए हो? अबू प्रोफेसर बना, माशाल्लाह चश्मा लगा के दिखा अबू को। ये देखिए वकास ने, बलाज और भाज ने सेम खेड़ी, अबू खेड़ी नहीं देखी आपने? मैचिंग खेड़ी थी वकास लेकर, ये देखो कितना प्यारा कुर्ता है, पीछे पीछे भी इन्होंने भी खेड़ी पहनी है। टॉफी खोल के दूँ, ये लो टॉफी ले लो। ये हमें पहचानती नहीं, हम इसके रिश्तेदार ही नहीं है। किसको उठाया हुआ बताना, ठीक है। सबसे ज्यादा भूख लगी थी शेख साहब को, सबसे पहले आके बैठे। हाँ बोल रहा। ये जी चिकन पुलाव है, सैलड है, रायता है, सारे मीठा बनाया है निशान ने। सो आई होप यू वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसा वीडियो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना मैं कैसी लगी थी, ड्रेस कैसा लगा था, मेकअप कैसा लगा था। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।